और एक बार फिर से आपको ले चलते हैं ग्रेटर नोएडा में होने वाले ट्रेड फेयर में, जहां पर इस वक्त उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों पहुंच चुके हैं और अब धीरे धीरे कर ये मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर ओडी ओपी उत्पाद खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें शुरू किया था ताकि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी एक पहचान बन पाए। और आज कहा यह जा रहा है कि 80 देशों के स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरे देश भर से बहुत सारे कारोबारी यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इसके अलावा अगर प्रदेश सरकार की योजनाओं की बात की जाए, खास तौर पर जेवर एयरपोर्ट और बाकी सारे और भी जिस तरह से विकास के कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उसको भी यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा, उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा लोगों के लिए। तो ये तमाम तैयारियां हो गई हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ पहुंच चुके हैं मेला क्षेत्र में, जहां पर अलग अलग स्टॉल में जाकर मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कहां पर किस तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, अगर खास तौर पर भारत की बात की जाए, उसमें भी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कहते हैं हर जिले में अपना एक ओन प्रोडक्ट, यानी वहां का खुद का उत्पाद है जो कि अपनी पहचान रखता है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने ओडी ओपी योजना की शुरुआत की ताकि इंटरनेशनल या फिर कह लीजिए कि भारत में भी अलग अलग जगहों पर इसको एक मुकाम मिल सके। और आज यहां पर इस ट्रेड फेयर में इसे भी डिस्प्ले किया गया है। कहां कहां के कौन कौन से स्टॉल, कहां कहां के कौन कौन से उत्पाद यहां पर आज प्रदर्शित होंगे, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, वहां से 75 उत्पाद, यानी जहां जिस जिले में जिस चीज की ओडीओपी के तहत जो चिन्हित किया गया, जैसे गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो वो गारमेंट्स अपैरल क्लस्टर के तौर पे इसको पहचान मिली। इसी तरीके से अलीगढ़ के ताले हैं, फैजाबाद की चूड़ी है, इन तमाम तरीकों के जो भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, सभी के स्टॉल्स लगाए गए और इनको एक वैश्विक मंच देने के लिए इस तरीके के ट्रेड फेयर की ये व्यापार मेला है, जो कि उत्तर प्रदेश के कारीगरों को, जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो इस तरीके के उत्पाद करते हैं, उनको एक वैश्विक मंच देना है, एक प्लेटफॉर्म देने हैं, ताकि जिस तरीके के उत्पाद बना रहे हैं उनकी पहचान ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ देश में हो बल्कि विदेश में। और इसी क्रम में विदेश के जो बड़े 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 जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, उनको भी बुलाया जाता है ताकि यहाँ पर जो है उनको खरीदा जा सके, उनके साथ व्यापार किया जा सके। B2B है, इसके अलावा आम पब्लिक के लिए भी इसे ओपन किया गया है। और आपको बता दें, टाइम भी फिक्स किया गया है, देखिए 10 बजे से 3 बजे तक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस जिनको करना है उनके लिए है एंट्री। इसके अलावा जिस तरीके से आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए, वो 3 बजे से रात 10 बजे तक है, ताकि वो आएंगे, वो अपना भी यहाँ पर घूम सकते हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनको देख सकते हैं और यहाँ परचेज भी कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पे एक उनको बढ़ावा देना है, एक उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वैश्विक मंच देना, ताकि जो ओवरसीज बायर से उनको बुलाना। 80 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया है, 500 के करीब ओवरसीज बायर्स यहाँ पहुंचेंगे और ऐसे में राजस्व भी आता है, रोजगार भी आता है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक वैश्विक पहचान मिलती है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही हिमांशु अगर हम बात करें तो इस बार दूसरा, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, पिछले बार से किन मायनों में ये अलग हो जाता है, क्या क्या चीजें नई एड ऑन की गई है इस बार के इस ट्रेड शो में? देखिए आपको बता दें, लगातार इसका आकार बढ़ाया जा रहा है और जो बायर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, सबको इसमें आमंत्रित किया जाता है और खासतौर पे जो फोकस रहता है वो इंटरनेशनल मार्केट में रहता है, वहां से जो बड़े जायंट्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है और वो प्रतिभाग भी करते हैं। देखिए आपको बता दें, 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 500 ओवरसीज बायर्स हैं जो इस बार इसमें प्रतिभाग करेंगे। 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ये कार्यक्रम है और इस दौरान बायर्स यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं और यहाँ से परचेज करते हैं। जिस तरीके से बात की जाती है उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को ये बढ़ावा देता है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना है उसमें पंख लगाने का काम करता है और उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। इसी तरीके के यहाँ प्लेटफॉर्म लगाए हैं, देखिए 2500 के आसपास स्टॉल्स हैं, जो सरकार की मुख्य योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको प्रदर्शित किया जाता है और जो आम आदमी है उसको सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर में जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, इसके अलावा यहाँ पे टॉय सिटी पार्क बसाया जा रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क बसाया जा रहा है, अपैरल क्लस्टर पार्क बसाया जा रहा है
और शुरुआत में देखिए जिस तरीके से अभी आत्मनिर्भरता हम लोग की चाइना पे थी टॉय को लेकर, बच्चों के खिलौने को लेकर, इस तरीके से यहाँ टॉय सिटी बसाई जा रही है। तो जाहिर तौर पे इस तरीके की चीजों को प्रोत्साहित करना, इनको बढ़ावा देना, इनके स्टॉल्स लगाना, आम आदमी तक इसकी आम आदमी इन चीजों को जाने, इन सब चीजों पर फोकस रहता और सबसे प्राथमिकता यही रहती कि जितना बिल्कुल। और इस वक्त बिल्कुल हिमांशु, और इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अब जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो है उसकी औपचारिक शुरुआत दीप प्रज्वलित कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम देख पा रहे हैं, नंदगोपाल नंदी भी दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और सबके द्वारा इस ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का बड़ा ट्रेड शो है, व्यापार की अपार संभावनाओं के साथ इसकी शुरुआत हुई है। 29 तारीख तक ये चलेगा, 80 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। व्यापार की असीम संभावनाएं और साथ ही साथ देश का जो प्रोडक्ट है उसे एक इंटरनेशनल मार्केट देना, एक मंच देना, एक बाजार देना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं ODOP योजना इसी तरह से है कि किस तरह से उनको इंटरनेशनल बायर मिल सके, यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको एक मंच मिल सके, उनको उचित मूल्य मिल सके, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अगर हिमांशु इस ट्रेड शो की बात की जाए, काफी ज्यादा देश आए, आपने कहा कि 1.5 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं, ऐसे में कितनी संभावनाएं जताई जा रही है कि कितना का उद्योग यहां से होगा या फिर कितने के व्यापारिक आदान प्रदान यहां से किया जाएगा, कोई एक लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया है? आज के मुकाबले एक बड़ा और भव्य आकार ले चुका है पिछले वर्ष, क्योंकि पहली बार आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का, लेकिन इस बार इसकी और भव्यता दिव्यता देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि पिछले वर्ष 6,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया गया था और करीब 2 लाख से ज्यादा लोग आए थे, लेकिन इस बार इसकी भव्यता दिव्यता बढ़ाई गई है। फुटफॉल को नजर रखते हुए 5 लाख के आसपास लोगों के आने की संभावना, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए तैयारी भी की गई है। साथ ही आपको बताएं, कल राकेश सचान जो मंत्री एमएसएमई के, उन्होंने बताया कि इस बार उम्मीद है, पिछले वर्ष 6,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था, इस बार उम्मीद है 10,000 करोड़ का बिजनेस होगा, और इसी तरीके से इसकी भव्यता दिव्यता हर साल बढ़ती रहेगी। और पिछले वर्ष भी सितंबर माह में हुआ था और अब इस बार भी सितंबर महीने में ही। हिमांशु सर एक बात बताइए, व्यापार की बात तो हम कर रहे हैं, उत्पादों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन आम लोग भी चाहते हैं कि जो उत्पाद किसी खास जिले में फेमस है वो एक ही मंच के नीचे, एक ही छत के नीचे उन्हें मिल जाए। आम लोगों के लिए भी आपने बताया कि 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एंट्री होगी और वो यहाँ पर जाकर यहाँ पर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि जो लोग वहां जाएंगे उनकी पार्किंग से लेकर या फिर उनके अंदर दाखिल होने तक क्या कोई टिकट रखा गया है, जरा उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि जो लोग जाना चाहते हैं वो भी ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले। रखा गया है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे से आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, ये टाइम 10 बजे रात तक बढ़ा दिया गया है। ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं, और एक ही उद्देश्य है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कि इतने बड़े जो स्टॉल्स है जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले उनके जो ODOP प्रोडक्ट है उनको एक ठीक है। हिमांशु बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।